हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल अवेयर में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे AI टूल्स के बारे में बताऊंगा जो कि अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हो या फिर एक कंटेंट क्रिएटर हो, यानी कि आप किसी भी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म से अगर जुड़े हुए हो या फिर ब्लॉगिंग करते हो, तो आपको ये 12 जो है AI काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इस AI के बारे में आपको मे बी कुछ AI के बारे में पता होगा और कुछ के बारे में नहीं पता होगा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बाकी चैनल पर हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेशन दे इस वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो। तो पहले नंबर पे जो है उसका नाम है ChatGPT। इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा। इस AI की हेल्प से आप जो है किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी आप इससे लिखवा सकते हो एंड कुछ भी कर सकते हो। तो दूसरे नंबर पे राइटसोनिक, इस AI की हेल्प से आप जो है अपना कंटेंट लिखवा सकते हो कस्टमाइज रूप से, और आप किसी भी टाइप के स्क्रिप्ट्स को आप इसके अंदर जो है लिखवा सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको ये भी AI है। तीसरे नंबर पे जो AI है उसका नाम है Midjourney। इस AI के हेल्प से आप लोग जो है किसी भी टाइप के आर्ट को जनरेट करवा सकते हो, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है इस वेबसाइट का इंटरफेस और इसका जो आउटपुट रिजल्ट है। चौथे नंबर पे जो AI है उसका नाम है Replit। इस AI के हेल्प से आप जो है किसी भी टाइप के कोड को जनरेट कर सकते हो, यानी कि अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना हो या वेबसाइट बनाना हो तो किसी भी टाइप का जो आप यहाँ पे कोड को जनरेट कर सकते हो Replit के मदद से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कोडर लोगों के लिए। पांचवें नंबर पर जो AI है उसका नाम है Synthesia। इस AI की मदद से आप जो है वीडियो को जनरेट कर सकते हो, वो भी काफ़ी हाई क्वालिटी में वीडियो जो है आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो और आपको कोई स्टूडियो की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से AI की मदद से ही आप काफ़ी अच्छे प्रोडक्शन हाउस जैसे वीडियोज़ जो है आप इसे बना सकते हो, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। इवन दो आप इसके अंदर टेक्स्ट टू वीडियो भी कन्वर्ट कर सकते हो और आपका प्रोफेशनल एक वीडियो जो है कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा AI की मदद से विदाउट एनी सेटअप। तो यही कुछ फीचर्स थे। बाकी अगर थोड़े फीचर्स के बारे में बात करूँ तो टेक्स्ट टू वीडियो तो जनरेट कर ही सकते हो, बाकी नेचुरल लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड करता है एंड देन इसके बाद लो कॉस्ट बैंडविड्थ के साथ आपको जो है हाई परफॉर्मेंस देता है। छठे नंबर पर जो AI है उसका नाम है Soundro। इस AI की मदद से आप एक प्रोफेशनल म्यूजिक बीट जो है वो आप जनरेट कर सकते हो, इवन दो इसके अंदर आप म्यूजिक भी कंपोज करवा सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा AI जो है ये म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस के लिए माना जाता है। थोड़ा सा मैं आपको प्ले करके सुना देता हूँ किस तरह का ये म्यूजिक जो है प्ले करता है, बट ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम मैं ज़्यादा नहीं बजा सकता हूँ। सातवें नंबर पर जो वेबसाइट है उसका नाम है Flickr। इससे आप TikTok वीडियो, रील्स या फिर YouTube शॉर्ट्स वगैरह जो है आप इस पर बना सकते हो और काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोफेशनली आप इसमें एडिट भी कर सकते हो और AI के थ्रू जो है आप जनरेट भी कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। सिंपल एडिटिंग इंटरफेस मिलेगा आपको, फास्ट क्रिएशन है और लो कॉस्ट जो है इफेक्टिव आपको पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी एडिटर को हायर करोगे तो सीधी सी बात है वो पैसे लगेंगे और AI जो है आपको भी फ्री में आपको ये सारी चीज़ करके देगा। मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर सपोर्ट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इवन दो इसके अंदर आप जो है स्टॉक फुटेज का यूज़ करके आप जो है एक बेहतरीन शॉर्ट्स वीडियो जो है आप इसे कम्प्लीटली कन्वर्ट कर सकते हो, तो मुझे पर्सनली ये जो है काफ़ी अच्छा AI लगा है। आठवें नंबर पर जो AI है उसका नाम है Starytars। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये उसका स्पेलिंग है। तो इस वेबसाइट में आप जो है अवतार्स वगैरह को क्रिएट कर सकते हो अपने फ़ोटो से। इसका गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर दोनों पे एप्लीकेशन भी है और वेबसाइट के थ्रू भी आप कर सकते हो। मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा वेबसाइट के थ्रू करना, क्योंकि स्टोरेज ज़्यादा वेस्ट करेगा आपका ये ऐप। तो इस वजह से जो है आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो AI अवतार्स बना के, जो कि काफ़ी कूल अवतार्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। नौ नंबर पर जो AI है उसका नाम है Slide AI। इस AI के मदद से आप PPTs बना सकते हो। अगर आपके लैपटॉप आपके पास नहीं है या फिर आप PPTs का बार बार आपको ज़रूरत पड़ता है और आप लैपटॉप में पावर पॉइंट नहीं खोलना चाहते हो, तो आप यहाँ से भी PPTs वगैरह जो है बना सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल जो है AI है। दसवें नंबर पर जो AI है उसका नाम है Rimini। इस ऐप से आप फोटो और वीडियो दोनों को इन्हेंस कर सकते हो, बट फोटो के लिए काफ़ी अच्छा AI टूल माना जाता है और मैंने भी इसे पर्सनली यूज़ किया, जो कि काफ़ी बेहतरीन जो है ये आउटपुट देता है। तो आप इसे फोटो के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बाकी वीडियो के लिए भी कर सकते हो। इसका एक ऐप भी आता है, बट आप वेबसाइट का पर्सनली यूज़ करो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है आपको ये आउटपुट देगा। 11 नंबर पे जो AI है उसका नाम है Pictory। इस AI की मदद से आप जो है वीडियो एडिट्स कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे आप इजीली वीडियो एडिट कर सको, या जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उसका आउटपुट आपको पसंद नहीं है, तो इस AI को आप ज़रूर ट्राई करना। काफ़ी अच्छा जो है इसका आउटपुट है और काफ़ी अच्छे अच्छे एनिमेशन और भी इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये AI जो है बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इसका आउटपुट पसंद आया है। 12 नंबर पे जो AI है उसका नाम है WordTune। इस AI के हेल्प से आप अपने जितने भी नोट्स हैं उसको आप समराइज़ करके एक जगह ला सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा जो है आपको AI लगता है अगर आप एक प्रोफेशनल हो और अगर आप
बहुत सारे नोट्स अलग अलग जगह पे लिखते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लिखते हो, तो आपको अब इसके यहाँ पे एक समराइज नोट्स मिल जाएगा जो कि आपको काफ़ी काम को करने में आसानी देगा। तो यही कुछ AI थे, आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।